नई सोच सही दिशा की प्रस्तुति। पश्चिम बंगाल के गंगा तट पर बसे अजीमगंज नगर में सन 1935 में जिनका जन्म हुआ। सिर्फ 19 वर्ष की युवा अवस्था में जिन्होंने घर का परित्याग कर गुजरात के सानंद नगर में जैन दीक्षा अंगीकार की। महान प्रतिभा और अद्भुत कार्य कुशलता को देखकर 41 वर्ष की आयु में जिन्हें आचार्य पद से विभूषित किया गया। जन जन को जगाने का संकल्प लेकर जिन्होंने भारत व नेपाल में कुल 1,60,000 किलोमीटर की सुदीर्घ पदयात्राएं की है। अहिंसा, शाकाहार, सांप्रदायिक सद्भावना एवं मानवीय जीवन मूल्यों के जतन के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बलिदान में लगाई है। अपने परिचय और प्रभाव से जिन्होंने बड़ी बड़ी राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तियों के द्वारा जनहित के अनेक कार्य करवाने में सफलता पाई है। भारतीय संस्कृति की महान विरासत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिन्होंने लाखों प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों और विविध पुरातात्विक सामग्री को एकत्रित कर गुजरात में गांधीनगर के समीप कोबा ग्राम में विश्व प्रसिद्ध संस्थान का निर्माण किया, जो संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, बंगाली व अंग्रेजी भाषा के मूर्धन्य विद्वान हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने जिन्हें मुंबई के राजभवन में एक गौरवशाली समारोह में राष्ट्रसंत की उपाधि से अभिनंदित किया था। ऐसे परम उपकारी, अनेक तीर्थों के उद्धारक, संघ एकता के चिंतक, समन्वय की विचारधारा के प्रतीक, धैर्य गुण के उपासक, अनेक शिष्यों प्रशिष्यों के जीवन शिल्पी, प्रवचन प्रभावक आचार्य भगवंत श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब को दीक्षा दिवस पर भावपूर्ण वंदना। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नित नए वीडियो को देखने का आपको अवसर मिल सके।